सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपके यूनिट 8 व्यंजकों का गुणनफल तथा सरल समीकरणों के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया था और इस यूनिट में हमें अब आगे अभ्यास करना था, इस यूनिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना था हमें। तो चलिए हम देखते हैं इस यूनिट के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गणित में कॉन्सेप्ट से ज्यादा जरूरी होता है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करिए। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन के साथ आप लोग बैठिए और सभी क्वेश्चंस आप अभी साथ के साथ सॉल्व कर लीजिए। देखिए, वीडियो देखने और सॉल्व करने में बहुत अंतर होता है, तो आप लोग मेरी बात मानिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। आप लोग इतना टाइम दे रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग साथ के साथ सॉल्व भी करिए, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं, तो सभी वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो कहीं से भी आप लिंक पे क्लिक करके आपको सारी वीडियोस गणित की मिल जाएंगी। तो आप लोग सभी यूनिट्स को पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, अच्छी प्रैक्टिस बनाइए। गणित में अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो आप जरूर 25 में 25 स्कोर करके ही आएंगे एग्जाम में। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है आपका सिलेबस, तो आप लोग फुल कॉन्फिडेंस, फुल प्रैक्टिस रखिए, जिससे आप लोग एग्जाम में 25 में 25 स्कोर करके ही आए। अब दोस्तों, हम देखते हैं आपके, देखिए क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन है 3x² तथा 5xy का गुणा कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको दिख गया कि एक पद का बीजीय व्यंजक है और दूसरा जो व्यंजक दिया हुआ है वह भी एक पद का है, तो दोनों को गुणा करना सबसे आसान है। दोनों को हम लोग गुणा कर लेते हैं, देखिए इनटू 5xy, यही है। तो अब आप लोग जो इसका अंक वाला पोर्शन है उसको दूसरे बीजीय व्यंजक के अंक वाले पोर्शन से गुणा कर दीजिए, यानी 3 का गुणा 5 में कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और जो अक्षर वाले पोर्शन है उनको आपस में गुणा कर लीजिए, तो x² * xy में आप करेंगे तो यहाँ x^1 है, यहाँ 2 है, और आधार जब समान होते हैं तो घाते जुड़ जाती हैं। तो आप लोग x² * जब xy में करेंगे, जो आधार है वह सेम है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो x³ हो जाएगा, 2 + 1 = 3 हो जाएगा, तो x पे 3 घात आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 15x³y। यह उसका उत्तर हो जाएगा, पहले का गुणा करेंगे आप तो इतना आपको उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे एक एक पद के 3 बीजीय व्यंजक हैं जो आपस में जिनका गुणा हो रहा है, और तीनों के आगे देखिए ऋणात्मक का चिन्ह है, चिन्ह भी आप लोग देखते चलिए। तो अब देखिए, पहले हम लोग 2 का गुणा कर लेते हैं, फिर उन दोनों का, 2 का गुणा करने के बाद जो हमें उत्तर प्राप्त होगा उसको तीसरे में हम लोग गुणा कर लेंगे। तो देखिए, पहले 2 पद क्या है, -4x² - 3ay। तो अब देखिए, माइनस माइनस का गुणा आपस में होगा तो प्लस हो जाएगा, सबसे पहले ये धन में आएगा तो प्लस। अब देखिए, जो अंक है, अंक का गुणा करेंगे 4 का गुणा 3 में तो 12, और x² * ay में होगा तो ये हो जाएगा x² ay, ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखिए, एक पद हमारा बच गया है, तीसरे पद को भी हम लोग लिख लेते हैं -2/3 bx। ये हमें पहले 2 का गुणा का उत्तर मिल गया और तीसरा पद भी हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा। अब 12x² ay का गुणा हम लोग करेंगे -2/3 bx में। तो अब देखिए, गुणा होगा तो धन और ऋण का गुणा कितना होगा, ऋण होगा, और देखिए यहाँ बटे में 3 है और यहाँ 12 है, 3 से 12 काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और फिर 4 का गुणा यहाँ 2 में होगा तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए, x² ay का गुणा होगा bx में, तो ये हो जाएगा, एक x हमें यहाँ मिल रहा है तो 1 जुड़ जाएगा, यानी कि x³ हो जाएगा ये, और a यहाँ है aby, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 8x³ yab।
ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, 5x² y² z² तथा ऋण 4xy³ z⁴ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो एक एक पद के हैं दोनों बीजीय व्यंजक, तो गुणा कर लेंगे, एक धन है एक ऋण है, तो सबसे पहले आप ऋण लगा लीजिए। अब 5 का गुणा 4 में कर लीजिए 20, और देखिए यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x³ आ जाएगा, और यहाँ देखिए y² है और यहाँ y³ है तो y के घाते कितना हो जाएगा 5, और यहाँ देखिए z² है और यहाँ पे z⁴ है, दोनों घाते जुड़ेंगी तो कितनी हो जाएंगी z⁶। तो यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 4x कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अब दोस्तों आपको क्लासेस की संख्या दी हुई है और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। आप रियल लाइफ में सोचिए, अगर आपके क्लास में मान लेते हैं 50 बच्चे हैं और ऐसे ही 50 बच्चों की आपके स्कूल में 10 क्लासेस हैं, तो आप क्या करते हैं 50 का गुणा 10 में करते टोटल सबकी संख्या निकालने के लिए। तो यही आपको यहाँ पे भी करना है, कुल संख्या निकालने के लिए आप लोग विद्यार्थियों की संख्या का गुणा कर देंगे कक्षाओं की संख्या में, तो आप लोग कर लीजिए। देखिए 4x का गुणा हम लोग सीधे इसमें कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि 4x इंटू हम लोग लिखेंगे x⁴ 2x³ प्लस 4x² प्लस 8, यही दिया हुआ है। अब गुणा कर लीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4 का गुणा अंदर होगा तो ये देखिए 4, और x का गुणा x⁴ में होगा तो ये हो जाएगा x⁵, और इसी तरीके से आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x⁴, और ये हो जाएगा 16x³, और ये हो जाएगा 8 × 4 = 32, 32x। तो यही हमारा उत्तर मिल जाएगा, कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वह इतनी हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, x² + 3x ऋण 7 का गुणा हमें 5x³ तथा 2x² प्लस 3x - 4 में करना है। तो यहाँ पे आपको दो बहुपदीय व्यंजक दिख रहे हैं जिनका आपको आपस में गुणा करना है। तो दो बहुपदीय व्यंजक का जब गुणा करना होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि दो बहुपदीय व्यंजक जब भी आपको मिले तो पहले बहुपदीय व्यंजक का पहला जो पद है उसका आप गुणा कीजिएगा दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद में। तो आप लोग जो पहला बहुपदीय व्यंजक है उसका पहला पद है 2x², अब इसका गुणा आप लोग दूसरा जो बहुपदीय व्यंजक है उसके हर एक पद में आपको करना है। दूसरे बहुपदीय में देखिए कितना है, 4 पद है, तो आप लोग 2x² लिखिए, और ब्रैकेट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x - 4। फिर देखिए ये आपने पहले पद का गुणा दूसरे के प्रत्येक पद में कर दिया। अब आपको क्या करना है, पहले बीजीय व्यंजक के दूसरे पद को लेना है और फिर इसी तरीके से हर एक पद में गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले में धन 3x है तो आप लिख दीजिए धन 3x, और प्रत्येक पद में गुणा करना है तो ब्रैकेट 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x - 4 ब्रैकेट में आ जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से पहला जो बीजीय व्यंजक है उसका जो तीसरा पद है उसका गुणा आप प्रत्येक पद में करेंगे दूसरे बीजीय व्यंजक के, तो आप लिखेंगे ऋण 7 गुणे 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x - 4 ब्रैकेट में। तो अब यही दोस्तों आपको सॉल्व कर लेना है, सभी जो समान घाते हैं उनको आप जोड़ घटा सकते हैं तो उनको जोड़ घटा लीजिएगा, जितनी भी x⁵ की घाते x⁴ की घाते उनको आप लोग आपस में जोड़ घटा लीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपको इसमें बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है, x⁹ का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दोस्तों फॉर्मूला भी पता है, फॉर्मूले में भी आप रख के
यह मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें क्या पता होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है x और b की जगह क्या लिखा हुआ है 9। तो अगर आप इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, देखिए x का वर्ग धन 2, a की जगह x आ रहा है, b की जगह 9 आ रहा है, आप लोग देख लीजिए 9 का वर्ग। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा x स्क्वायर धन 18 x धन 81। तो यह आपका सोल्यूशन हो जाएगा अगर आप फॉर्मूले में रख के निकालते हैं। और आपको फॉर्मूला नहीं याद है मान लेते हैं, तो आप लोग दो बार x धन 9 का गुणा कर सकते हैं, x धन 9 का होल स्क्वायर है तो आप लोग इसको दो बार गुणे में लिख सकते हैं। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो भी आपको इतना ही मिल जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 9 हो जाएगा धन 9 इंटू एक्स धन 9 हो जाएगा। तो ये देखिए x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9x प्लस 81। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, देखिए दोनों सेम आ रहा है। दोनों ही तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप फॉर्मूले में पुट के सॉल्व करिए या फिर होल स्क्वायर है तो दो बार आप गुणे के रूप में लिख करके सॉल्व करिए, उत्तर आपको सेम ही मिलेगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, एक कलम का मूल्य 2x माइनस वाई रुपए है, इसी प्रकार 2x प्लस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक कलम के मूल्य का गुणा कर लेना है, जो जितने कलमों के मूल्य आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एक कलम का मूल्य आपको दिया हुआ है 2x माइनस वाई, और आपको पता करना है 2x प्लस वाई कलमों का मूल्य। तो आप एक कलम के मूल्य का गुणा कर देंगे इतने कलम में, तो आपको टोटल कलमों का मूल्य ज्ञात हो जाएगा, इतने कलमों का मूल्य। तो आप लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने मानक सरल समीकरण पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है, इसी से ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में आपको ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी दिख रहा है, तो यही आप कर लीजिए 2x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यही आपको सभी कलमों का मूल्य मिल जाएगा। इसी प्रकार आठवें प्रश्न में भी आपको देखिए एक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है और इतने पुस्तकों का मूल्य पूछ रहा है, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। इसी प्रकार आप प्रश्न 8 को भी तुरंत ही सॉल्व कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है, यदि x धन 1 बटे x बराबर 2 है तो x स्क्वायर धन 1 बटे x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक मान दिया हुआ है, इसका मान हमें दिया हुआ है और इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो इसीलिए आपको दोस्तों फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तभी देखिए आप यह प्रश्न सोच पाएंगे किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम लोग इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं कि जिसका हमें मान पता है। तो आप देखिए हम किस प्रकार लिख रहे हैं, हमारे लिखावट पे ध्यान दीजिए किस प्रकार हम बना रहे हैं। एक्स स्क्वायर धन 1 बाई एक्स स्क्वायर को इस रूप में x धन 1 बटे x के रूप में हमें बनाना है, क्योंकि हमें इसी का मान पता है तो इसी के रूप में हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए x स्क्वायर धन 1 बटे x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं x स्क्वायर 1 बटे x स्क्वायर धन 2, और धन 2 कर रहे हैं तो ऋण 2 भी कर देते हैं ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो अब हमने इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, अब केवल हमने प्लस 2 और माइनस 2 किया है, मतलब कोई अंतर नहीं है, आप समझ ही सकते होंगे। तो अब देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब टू में हम लोग क्या कर रहे हैं कि x का ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, तो x का ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे हम लोग देखिए किस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। वही चीज हम लोग दोस्तों लिख रहे हैं, कोई अंतर नहीं आया है अभी तक। अभी तक हम लोग इसी को दूसरा रूप देते आ रहे हैं और कुछ अलग हम नहीं लिख रहे हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। x बाई एक्स था तो हमने एक x को इधर लिख लिया है और एक x को हमने 1 बाई एक्स लिख दिया है। तो अब देख रहे हैं कि आपको यह जो है यह इतना एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। क्या फॉर्मूला दिख रहा होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो इसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि x धन 1 बटे x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए x प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया इतना। आपको ये समझ में आया कि नहीं? यहां से यहां हमने कैसे लिखा, हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो वही चीज हमने यहाँ पे की हुई है। देखिए a की जगह कितना था, x था, और b की जगह कितना था, 1 बाई एक्स था। तो देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बना है और हमें क्वेश्चन में देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का मान दिया हुआ है। तो x प्लस 1 बाई एक्स की जगह हम लोग इसका मान रख लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 2। तो 2 हम लोग लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 2। तो अब हमें इसका मान ज्ञात हो गया, इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये फॉर्मूले भी याद रहने जरूरी हैं जो हमने मानक सर्व समीकरणों में पढ़े हैं या हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं। तो इसी पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने जिसका मान हमें निकालना था उसको हमने जिसका मान हमें पता है उसके रूप में बनाने की कोशिश की है, और जब इस रूप में यह आ गया है तो जिसका मान हमें पता है उसका मान हमने रख दिया है, तो हमें वैल्यू मिल गई है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो सर्व समीकरणों में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, मानक सर्व समीकरण। यहाँ पे भी वही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। देखिए पहला लिखा हुआ है 51 का वर्ग, 51 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले के मदद से, सर्व समीकरण के मदद से। तो इसे 51 के स्क्वायर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए यह भी हमें फॉर्मूले के रूप में मिल गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हमें मिल गया। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब देखिए a की जगह कितना है, 50, और b की जगह कितना है, 1। तो 50 का वर्ग आपको करना है, पहले फॉर्मूले में आप लिख लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 1। देखिए फॉर्मूले से हमने इसे खोल लिया है, 51 प्लस 1 के होल स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 2500 प्लस 1 और 2 का गुणा 50 में, यानी कि 100। तो ये हो जाएगा 2601। 51 का वर्ग कितना आ जाएगा, 2601। तो दोस्तों इसी प्रकार जैसे हमने 51 को लिखा है 50 धन 1 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार आपको 99 को कितना लिख लेना है, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 99 के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कितना, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आप 95 को कितना लिखेंगे, 95 के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इस पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा, यहाँ पे बस माइनस आ जाता है, माइनस 2ab। ठीक है, तो इस प्रकार अब देखिए अगला क्या है, 52 इंटू 48 आपको दिया हुआ है। तो इसे कैसे लिखेंगे ये भी आप लोग देख लीजिए।
अब दोस्तों चौथे और पांचवें को लिखने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है देख लीजिए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो अब देखिए आप लोग चौथे को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 52 × 48 यही हमें लिखना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 50 + 2 × 48 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 50 − 2। तो अब एक ब्रैकेट में आपको देखिए 50 + 2 दिख रहा है, दूसरे ब्रैकेट में 50 − 2 दिख रहा है, यानी कि अगर इस फॉर्मूले से आप कंपेयर करें तो ए की जगह आपको 50 दिख रहा है और बी की जगह कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो आप लोग इसे कितना लिख सकते हैं, 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2496, यह है आपका सोल्यूशन आ जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए पांचवे को कितना लिख सकते हैं, पांचवा जो आपको दिया हुआ है इसे आप लिख सकते हैं 10 + 0.5 एक ब्रैकेट में × 10 − 0.5। अब ए की जगह आपको 10 मिल जाएगा और बी की जगह 0.5 मिल जाएगा। तो इसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए अभी, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, x3 तथा x-3 का गुणनफल है। तो यह भी देखिए अभी जिस फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वही फॉर्मूला इसमें लगाना है। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये देखिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी आपको दिख रहा है। तो सीधे सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो a का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की जगह x है और b की जगह 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना है। तो a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। पहला जो है इस ऑप्शन वही सही हमें मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है यहाँ पे, यदि एक्स ऋण 1/x = 3/2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान है। अब देखिए ये एकदम सिमिलर प्रश्न है जैसा हमने प्रश्न संख्या 9 में सॉल्व किया है। अब प्रश्न संख्या 9 में हमने क्या किया था, प्रश्न संख्या 9 में हमने इसको इस रूप में बनाया था, वही हमें करना है, इसको हमें अब इस रूप में बनाना है। तो यहाँ पे बस ये था कि हमने प्लस 2 को लिया था और यहाँ पे आपको माइनस 2 को लेना है। देखिए मैं थोड़ा सा करके आपको करके बता देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को हम लोग कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 प्लस 2। वहां पे हमने प्लस 2 को आगे रखा था, यहाँ पे हम माइनस 2 को रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस के रूप में बनाना है, x माइनस 1/x के रूप में बनाना है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को हम लोग किस प्रकार और लिख सकते हैं, 2 × x × 1/x + 2। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x माइनस 1/x² + 2 और यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो 3/2² + 2 यही हमें वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 9/4 + 2। यानी कि इसे हम लोग लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 4। अगर आप लोग सबके बट्टे में लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 और 8 + 9 यानी कि 17/4, या लिखें तो हम लोग इसे कितना लिख सकते हैं, 1/4 यानी कि 4 सही 1/4 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, x + 5² का मान है। तो a + b² का फॉर्मूला आपको लगाना है, a² + b² + 2ab। तो आप रखेंगे a की जगह x और b की जगह 5, तो आपको मिल जाएगा
ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 2ab2 इंटू एक्स इंटू 5 यानी कि 10x। तो पहला जो ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x यह आपको सही मिल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में आपके यूनिट 9 को देखने वाले हैं। दोस्तों यहां तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो तो पसंद ही आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वह भी आसानी से इसी प्रकार मैथ की प्रैक्टिस कर पाए और अच्छा स्कोर कर पाए अपने एग्जाम में। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपसे मिस ना हो। और इसी प्रकार दोस्तों बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ा दिए गए हैं, तो बाकी सब्जेक्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर के आप बाकी विषयों के भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और कुछ सवाल या सुझाव हो आपका तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ऐप पे हमारा चैनल है, वहां पे आपको सभी अपडेट सभी वीडियोस मिल जाती हैं, सभी इंट्रैक्शन हमारी हो जाती हैं, तो आप लोग जरूर जुड़िए वहां से। टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं आप लोग टारगेट क्यूपिटेड सीटेट और हमारे चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो तो हमें बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों अभी तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।